और भार प्रबंधन शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे कि पहली क्लास है तो अपन सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ही करते हैं कि क्या होता है न्यूट्रिशन। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते रहेंगे आगे आगे। जैसे कि तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिशन वर्ड है इसी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि न्यूट्रिशन ही क्या होता है। तो जब छोटे होंगे तो सबके मन में सवाल तो ज़रूर आया होगा कि अपन खाना ही क्यों खाते हैं, वाई वी इनटेक फूड। ठीक है, मेरे मन में तो आया था। तो इसी चीज़ के लिए जब आगे पढ़ा तो पता लगा कि वी नीड फूड फॉर थ्री मेन रीजन्स, यानी कि हमको मुख्यतः तीन कारणों से फूड की या भोजन की आवश्यकता होती है। सबसे पहला कारण क्या है इसका, टू सप्लाई अस विद फ्यूल और एनर्जी, यानी कि भोजन अपने को ऊर्जा या ईंधन की आपूर्ति करता है। ऊर्जा या ईंधन थोड़े मैकेनिकल टाइप के से वर्ड हो गए। हाँ, तो जैसे अपना शरीर भी एक मशीन ही तो है, जिस प्रकार से बाइक को पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपने शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो अपन किस रूप में लेते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा के रूप में। ठीक है, तो इसका अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे अपन एनर्जी को भी अपन मुख्यतः दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ऊर्जा को। तो दो पार्ट कौन से हो गए, सबसे पहला होता है कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जो आपको जिंदा रखने के लिए या जागृत रखने के लिए या फिर आपको हल्का होगा गर्म रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है आपकी BMR। ठीक है, दूसरी होती है आपकी वर्क के अकॉर्डिंग एनर्जी, कि आप कौन सा वर्क कर रहे हो, कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, उसके अनुसार आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और ये दोनों मिलकर बनती है टोटल आपकी रिक्वायरमेंट एनर्जी। ठीक है, तो अपन इसमें सेकंड पॉइंट है टू प्रोवाइड मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि शरीर की संरचना कैसे होती है, सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, और कोशिका मिलकर बनती है ऊतक यानी कि टिश्यूज। तो जो शरीर में हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, टिश्यूज लेवल पे। ठीक है, तो ऊतकों की मरम्मत व विकास के लिए, तो विकास और मरम्मत कैसे, जैसे कि आप कोई भी वर्क कर रहे हो, आपने हार्ड वर्क किया, तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि शरीर में हर टाइम काफ़ी ऊतकों में डैमेज होता है, काफ़ी ऊतक नए बनते रहते हैं या उन पे विकास होता रहता है, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, मोस्टली इन टीनेज, यानी कि आप जब वयस्क होते हो तब सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए होती है कि इंसान की बॉडी डेवलप कर रही होती है, उसकी हाइट में, उसके वेट में, उसकी बॉडी टाइप में ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, उस टाइम सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है कि टू हेल्प प्रिवेंट डिजीज एंड कीप आवर बॉडीज हेल्थी, यानी कि रोगों के रोकथाम के लिए, उपचार के लिए या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी अपने को फूड की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया इसके तीन रीज़न। अब पता लग गया सबको कि अपन खाना क्यों खाते हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो इसकी कुछ डेफिनेशन एंड नरिशमेंट इंक्लूडिंग फूड कंपोजिशन, डाइटरी गाइडलाइन एंड द रोल दैट वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैव इन मेंटेनिंग हेल्थ, यानी कि अगर इसको हिंदी में समझे तो भोजन एवं पोषण तत्व, आहार के दिशा निर्देशों एवं विभिन्न पोषण तत्वों की स्वास्थ्य में भूमिका का वैज्ञानिक अध्ययन ही पोषण कहलाता है। यानी कि जो भी अपन भोजन ले रहे हैं या जो भी अपने आहार से रिलेटेड गाइडलाइंस दी हुई है और जो अपने मैंने न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि उनकी स्वास्थ्य में क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, इसका साइंटिफिक अध्ययन ही पोषण कहलाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन, इसमें अपन आता है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, यानी कि खेल पोषण के सामान्य सिद्धांत। ठीक है, खेल पोषण के अंतर्गत आप बात करें तो अपन बात करेंगे, खिलाड़ी की बात करेंगे, तो इसमें बात करते हैं अपन कि रिकमेंडेड बैलेंस डाइट फॉर
एवरेज स्पोर्ट्स पर्सन इज, यानी कि जो एवरेज स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसके लिए कौन सी बैलेंस डाइट रिकमेंडेड की जाती है। तो उसमें आता है बैलेंस डाइट में मेनली अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन के परसेंटेज की, बाकी तो माइक्रो होते हैं तो उनका क्वांटिटी बहुत काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहले तीनों की। तो क्या होगा सर क्वांटिटी, तो 55-60% होगा आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद नंबर आता है फैट का, क्योंकि फैट क्या काम करता है, वो स्टोर एनर्जी होती है फैट, यानी कि जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो आपकी फैट को कन्वर्ट करके एनर्जी में काम लिया जाएगा। और दूसरा फैट का काम क्या होता है, जैसा आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था जिसमें